Alright guys, Realme UI 2.0 and Android 11 for Realme 5, Realme 5S, Realme 5i and Realme 3, Realme 3i. तो दोस्तों इन सब डिवाइस के अंदर Realme UI 2.0 and Android 11 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आज के इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को एक बार से आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर लेना। तो दोस्तों ये जो Realme UI एंड Android 11 का अपडेट है, इसका यहाँ पे शेड्यूल बहुत दिन पहले ही Realme ने पब्लिश कर दिया था, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे इन पांच डिवाइस के नाम नहीं था, Realme 5, Realme 5i एंड Realme 5s, उसी के साथ यहाँ पे Realme 3 एंड Realme 3i। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यार मुझे शॉक्ड तब लगा जब इस लिस्ट के अंदर Realme C11 का नाम नहीं था। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे, Realme 5 को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 2019 में एंड Realme 5s को लॉन्च किया गया था शायद से नवंबर 2019 के अंदर, और दोस्तों यहाँ पे Realme 5i को लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये तीन डिवाइस को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ दो साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पे ऐसे में Realme डिनाई कर रहा है मेजर अपडेट देने से। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग को पता होगा शायद से ये Realme 5, Realme 5i एंड Realme 5s, ये तीन डिवाइस यहाँ पे आप लोगों को मिला था Android Pie के साथ एंड शायद से था उसके अंदर ColorOS 5.2। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मेजर अपडेट मिला था Realme UI 1.0 एंड Android 10 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल से यार मेजर अपडेट देने से Realme तीन डिवाइस को डिनाई कर रहा है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें Realme 3 एंड Realme 3i का, तो Realme 3 को लॉन्च किया गया था मार्च 2019 में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यार Realme 3, 3i ये दो डिवाइस को भी अभी तक दो ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। और गाइस यहाँ पे बेसिकली सेम फंडा है, इसके अंदर भी आप लोगों को मिला था Android 10 एंड Realme UI 1.0 का अपडेट, एक मेजर अपडेट। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को शायद से बाय डिफॉल्ट मिला था ColorOS 5.2 एंड Android 9। क्वेश्चन ये है यार Realme से मेरा कि भाई दो मेजर अपडेट तो यहाँ पे कम से कम देना ही चाहिए किसी भी डिवाइस को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे या नॉर्मल पीपल जो होते हैं ये लोग दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट दो साल तक तो एक डिवाइस को यूज करते ही। मान लीजिए गाइस यहाँ पे कोई भी 10,000 अगर इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जनरल पीपल्स, हम जैसे दोस्तों यहाँ पे जनरल पीपल्स क्या होता है कि उन लोग चाहते हैं कि दो साल तक कम से कम अपने डिवाइस को यहाँ पे यूज करे। तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे Realme तो कहता है कि हम लोग कंटिन्यूसली दो साल तक सिक्योरिटी पैच का अपडेट देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेजर अपडेट आप लोग को नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे Realme को मेरे हिसाब से यार ऐसा नहीं करना चाहिए, दो मेजर अपडेट यहाँ पे सभी Realme डिवाइस को पुश करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे शॉक्ड मुझे तब लगता है जब यार 2020 के जुलाई में लॉन्च किया गया है Realme C11, इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा Realme UI 2.0 का अपडेट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे Realme का ये कहना है कि Realme C11 कैपेबल नहीं है Android 11 के लिए। तो भाई आप लोग ऐसा फ़ोन क्यों बनाते हो कि एक और मेजर अपडेट वो ना ले सके। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मिला था Android 10 एंड Realme UI 1.0 Realme C11 में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और मेजर अपडेट का भी कैपेबल नहीं है Realme C11 के अंदर। अब आप सोचिए, लोग दोस्तों इसको 7,000-8,000 दे के खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग Realme से ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि एक कम से कम मेजर अपडेट मिल जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे Realme को यार मेरे हिसाब से थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे Realme 5, Realme 5S, 5i, Realme 3, 3i ये सब को मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे क्या लगता है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिस्ट में तो आप लोगों को रखा ही नहीं गया है। एंड इवन दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे Realme UI 1.0 के अंदर कुछ ऐसा ही था, Realme 2, Realme C1 ये सब डिवाइस का दोस्तों यहाँ पे नाम नहीं था, सो यहाँ पे फाइनली अपडेट भी नहीं मिला था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे शायद से मुझे लगता है कि यार ऑलमोस्ट आप लोगों को अपडेट ना मिलने से ही दोस्तों यहाँ पे रह गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार Realme कभी भी सोचेगा कि हम लोग Realme 5, 5S एंड 5i एंड Realme 3, 3i को अपडेट दे। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे यार Realme 5 सीरीज को तो देना ही चाहिए, Realme 5 Pro को रखा गया है ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे Realme 5, 5S एंड 5i को भी अपडेट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार Realme C11 को तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखेंगे तो 6 मंथ ही हुआ है इसको लॉन्च किया हुआ।
तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पे यार मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहा था कि भाई इन सब डिवाइस में लाइक रियलमी के ओल्ड डिवाइस में हमें रियलमी वाई 2.0 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं। यहाँ पे दोस्तों शायद से जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में कि रियलमी ने शेड्यूल के अंदर ये सारे डिवाइस को नहीं रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जब कॉमेंट्स आ रहा था तो दोस्तों यहाँ पे मैं बेसिकली सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अगर रियलमी इन फ्यूचर कुछ सोचता है इन सब डिवाइस के लिए, तो गाइज यहाँ पे क्या है कि Q2 यानी कि दोस्तों लगभग 2021 के बिल्कुल से लास्ट तक आप लोगों को कुछ एक रिजल्ट दिया जाएगा कि शायद से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले तो बिल्कुल से आप लोगों को नहीं मिलेगा, जो अभी फिलहाल शेड्यूल के अंदर है वही सबको रोल आउट किया जाएगा शेड्यूल डेट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर रियलमी कुछ सोचता है देन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को शायद से मिल सकता है, वरना दोस्तों यहाँ पे अपडेट मिलने से रहा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यार ट्विटर वगैरह पे जाकर माधव सेठ जो है यहाँ पे रियलमी इंडिया CEO, उनको भी आप लोग बेसिकली टैग वगैरह कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट रियलमी 5 सीरीज के जितना भी फ़ोन है इनके अंदर तो हमें अपडेट दे दो। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक बार से आप लोग लाइक जरूर करना, और दोस्तों आप लोग अपना थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।